आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हीकल्स, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। एरोप्लेन, एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग थ्रू द हाई एंड ओवर द सी एंड ओवर द सी। एरोप्लेन, एरोप्लेन प्लीज टेक मी। बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं दो पोएम लर्न। पहला सीनियर केजी का यानी आयु का व्हीकल्स का पोएम, और सेकंड डुगू का सेकंड स्टैंडर्ड का पोएम है, ठीक है, ओवर सीट्स के ऊपर। तो फर्स्ट पोएम मेरी आयु आपको सुनाएगी, एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई। यानी इसमें एक एरोप्लेन है और एक छोटा बच्ची है जो कि एरोप्लेन से पूछ रही है, एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, आप आसमान में हो, वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई। ये बच्ची एरोप्लेन से पूछ रही है कि आप आसमान में कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ उड़ रहे हो। तो ओवर द हिल एंड ओवर द सी, यानि आप पहाड़ों के ऊपर, पानी के ऊपर हो। एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज़ टेक मी, यानी ये बच्ची एरोप्लेन से बोल रही है कि आप पहाड़ों के ऊपर हो, नदी के ऊपर हो, आपको ऊपर से बहुत कुछ अच्छा दिखता होगा, तो क्या आप मुझे भी ले लोगे ताकि मुझे भी सब कुछ अच्छा दिखे। तो ये बच्ची इस एरोप्लेन से रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये फुल पोएम है, एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द हिल एंड ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज़ टेक मी। सेकेंड पोएम आपको डुगू बताएगी, फाइव लिटिल सीड्स। आओ डुगू का पोएम भी सुन लो। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीखने वाले इंग्लिश का पोएम। माय पोएम नेम इज 3.6 फाइव लिटिल सीड्स। चलिए स्टार्ट करते पोएम। फाइव लिटिल सीड्स, फाइव लिटिल सीड्स, थ्री विल मेक फ्लावर एंड टू विल मेक विश, अंडर द लीव अंडर द स्नो, five little seeds are waiting to grow. Out come the sun, down come the shower, and up come three pretty pink flowers. And out come the sun, and every plant needs. Up come two funny old weeds. Friends, ये हमारा poem हो गया। अभी हम लोग ये explain करेंगे। आपने देखा 3.6 five little seeds, जो कि आपने आपको डुगू ने फाइव लिटिल सीड्स का पोएम रीड करके सुनाया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइव लिटिल सीड्स, देयर विल बी मेक फ्लावर एंड टू विल बी मेक वीड्स, यानी पांच छोटे छोटे बीज, जो कि इन्हें हम इन्हें सारे जैसे हवा पानी की मदद से इन्हें उगना है, उग के इनको फ्लावर देना है। वी टू मेक वीड्स यानि दानों के जरिए। अब आगे, अंडर द लीव्स अंडर द स्नो फाइव लिटिल सीड्स आर वेटिंग टू ग्रो, यानि जमीन के अंदर जाकर पानी के मदद से, बारिश की मदद से, सूरज की मदद से और ठंडे मौसम की मदद से इन्हें बढ़ना है, इन्हें ग्रो होना है। जैसे कि बच्चों, आपको आपके टीचर, आपके मम्मी पापा सबकी मदद से जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, उसी तरह से कुछ ये बीज भी अपनी कहानी बता रहे हैं। आउट कम द सन, डाउन कम्स द शावर, एंड अप कम देयर थ्री प्रिटी पिंक फ्लावर, यानि बारिश की मदद से, सूरज की मदद से इन्हें जमीन के अंदर, मतलब हमने इसे जमीन के अंदर गाड़ दिया है, जिससे ये इन सब की मदद से उगने लगे। उगने के बाद तीन प्यारे प्यारे पिंक कलर के फूल उग गए। आउट कम द सन दैट नेवर प्लांट नीड, एंड अप कम टू फनी ओल्ड वीड्स, यानि ये अच्छे से उग गए। उगने के बाद इन्होंने अपनी रेल्स यानि जो कली होती है उनके जरिए ये बढ़ने लगे हैं। अब धीरे धीरे इनमें फल फूल जो भी है। ये फाइव लिटिल सीड्स का एक सिंपल सा थॉट है कि कोई भी बीज, कोई भी अनाज को उगने के लिए सूरज, बारिश, ठंडे मौसम सबकी ज़रूरत होती है, इन्हें ज़मीन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से बच्चों, आप सबको भी, हम सबको भी,
हमें एक ग्रो करने के लिए, जैसे टीचर, सर, मम्मी पापा, हमारे ऑल सोसाइटीज की ज़रूरत होती है, उन्हीं तरह ये पेड़ पौधों को भी। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा, फाइव लिटिल सीड्स। ठीक है, बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।